उधर भी 20 आ चुका है। और जेम्स गन अभी तक कुछ अनाउंस नहीं किया भाई। वो जेम्स गन वो जेसन मामुआ निकल रहा है चिल्लाता हुआ ये ये टू द फ्यूचर और ये और वो जेम्स और पीटर से क्या मीटिंग हुई है मेरी और यू कर पीछे से ऑन न्यूज़ आ गई। हां क्रिस प्रैट भैया पूरी टीम के साथ आएंगे। हाँ। और जेम्स गन से लोग पूछ रहे हैं। हाँ वो गार्जियंस की पूरी टीम। अरे जेम्स गन ने बोला है कि मतलब इधर पूरी टीम पूरी आई वुड लाइक टू वर्क विद देम अगेन इन द डीसी यूनिवर्स। और वो सोलो एक-एक करके काम करना चाहेगा। ये तुम सोच रहे हो उसने क्या किया? उसको उसकी फ्रेंचाइज से निकाला था तो उसने पूरी फ्रेंचाइज ही राइवल स्टूडियो में बुला ली। अब भाई कोई अब अगला सुन बताएगा गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी ना फट के चार हो जाएगी कोई सब नए एक्टर होंगे। यहाँ पे एक रील बनना चाहिए ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी है ना उसमें ठीक है जेम्स गन मार्वल स्टूडियोज को रेड मार क्योंकि पता है अभी किसी को पैसे से लेना देना नहीं है। पैसे सब कमा रहे हैं सबको चाहिए अच्छी रेटिंग्स। सही है तुम कर रहे हो पर जैसे बताओ भी तो सही। हाँ कब तक छुपा बस ऐसे ही। जेसन मामुआ दो बार अनाउंस कर चुका भाई कुछ नहीं अनाउंस किया भाई। वो भी वो जाता है जेम्स गन से मिलता है और मजा आ गया भाई। ये फिर उसके बाद कहता है नहीं डीसी के बारे में बात नहीं कर रहा तो अलग बात। फिर उसके बाद आता है फिर अनाउंस कर देता है फिर वो कुछ निकलता नहीं उसका। पता नहीं क्या अंदर ऑर्जी चल रही है क्या हो रहा है वही सोच रहा हूँ क्या गोली खिलाता होगा उसको कि बाहर आ गई तो जोश। भाई आज तो तेरे को बिठा उसी खाली सिर्फ उसी का जोश टाइट होता है ठीक है। रॉक के साथ भी ठंडा हो गया कैविल के साथ भी ठंडा हो गया। हेनरी कैविल को तो बिठा के चाय वाय भी नहीं पूछते हो क्या तो चल निकल तू। बिठाया उसको बोलता है कि भाई आउट। रॉक को बिठाया लेकिन वो अगर गार्डियंस बोल रहा तो एक्टर्स तो आ जाएंगे मेरे ख्याल से। अरे सब बहुत अच्छा यार टाइप। अरे पर पता है क्या है देखो बहुत सारी चीजें होती है जैसे फॉर एग्जांपल अब क्रिस प्रैट है ठीक है। क्रिस प्रैट को मतलब उसने बोला है कि मैं काम करना चाहूंगा लेकिन अब किस रोल में लेगा वो नहीं पता। वो भी बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो किसी बड़े रोल में ना ले जैसे साइड रोल में ले ले किसी छोटे सुपर हीरो के रोल में ले ले तो हाँ कैमियो भी हो गया। और डीसी यूनिवर्स में बहुत सारे सुपर हीरोज हैं यार सुपर हीरोज हैं सुपर विलन्स हैं उनकी टीम्स भी रहेंगी जैसे गार्डियंस। हाँ गार्डियंस की टीम है जैसे ग्रीन लैंटर्न कोर है तो बहुत बड़ी कोर है तो किसी एक छोटे उसमें ले लिया। जैसे मान लो बटिस्टा है तो बटिस्टा को ग्रीन लैंटर्न का किलो वॉक है किलो वॉक बना दिया तो पूरा सीजी कैरेक्टर है वो तो वैसे करके कुछ बना दिया ऐसे करके कास्ट कर सकता है वो। मतलब वो सेवन में नहीं होगा ना जो जस्टिस बहुत मुश्किल है यार क्योंकि वो बड़े कैरेक्टर्स हैं।